हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्लैनेट 369। आज हम बात करेंगे स्कॉर्पियो राशि के बारे में, वृश्चिक राशि के बारे में, और हम जानेंगे कैसा रहेगा 2020 उनके लिए, उनकी पर्सनल लाइफ, उनके करियर और उनकी हेल्थ के लिए। तो शुरू करते हैं। मैं जो कार्ड्स यूज़ कर रही हूँ वो हैं लॉस्ट एयर ऑफ नॉस्ट्रडेमस, और इन्हीं कार्ड्स को मैं चेक करूँगी आपके लिए। और जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और लाइक करिए। एंड चलिए लॉस्ट एयर ऑफ नॉस्ट्रडेमस चेक करते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी और कैसा रहेगा आपका करियर और पर्सनल लाइफ 2020 में। Roster of Nostradamus, please help me with the answers. Please tell me about the Scorpio zodiac sign. Please help me with the knowledge of their career. कैसा रहेगा 2020 का साल स्कॉर्पियंस के लिए? Please tell me, Roster of Nostradamus. साल के जो शुरू के कुछ दिन हैं वो थोड़े से स्ट्रगलिंग रहेंगे, प्रॉब्लम रहेगी, टेंशन रहेगी साल के कुछ महीनों में। कह सकते हैं कि जून या जुलाई तक आपकी सिचुएशन थोड़ी सी स्ट्रेसफुल है, और काम बनते बनते बिगड़ने के साइंस हैं। तो कहीं ना कहीं आप जो चीज़ सोच रहे हैं, जो काम आप करना चाह रहे हैं, वो काम बनते बनते रुक जा रहे हैं, आपके काम पूरे तरीके से नहीं बन पा रहे हैं। एंड अगर आप कोई बिज़नेस का आइडिया आपका है तो वो आइडिया आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप कहीं पे जॉब करना चाहते हैं तो वहाँ से अभी तक आपको रिज़ल्ट नहीं, कोई कॉल नहीं आई है, कन्फर्मेशन कॉल नहीं आई है, आप वेट कर रहे हैं आप, और हो सकता है कि शायद आपका सिलेक्शन भी ना हुआ हो। तो कहीं ना कहीं करियर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है अभी, और ये जो प्रॉब्लम आपके करियर में है ये टेम्प्रेरी है। ज़्यादा से ज़्यादा आप मान के चलिए जून तक ये सिचुएशन रहेगी, और जून के बाद का जो समय है, यानी कि आधा साल जब बीत जाएगा उसके बाद का जो समय है, उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि तब एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। दिस कार्ड इज़ फॉर द, दिस इज़ व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो वो जो साइकिल है आपकी, जो ये आपको डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है जॉब में, अपने खुद के बिजनेस में, जो आपके काम नहीं बन पा रहे हैं, तो ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगी जून तक। तो मोस्ट प्रोबेबली जून के बाद जो आपका समय है वो बहुत ही अच्छा आने वाला है, क्योंकि जून के बाद ये जो सन कार्ड आपके लिए आया है, दिस शोज़ कि जो आप इसके बाद, जून के बाद जो भी काम करेंगे उसमें आपको पूरी सफलता मिलेगी, और आप बहुत अच्छे से हर तरफ आप शाइन करेंगे। लेकिन आपको जून तक का समय थोड़ा सा है जिसमें आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट, थोड़ा स्ट्रगल, ये सब चीज़ होगी, लेकिन ये टेम्प्रेरी है। और आफ्टर जून आपका साल बहुत अच्छा रहेगा आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको फाइनेंशियल फ़ायदे भी होंगे और हर तरीके से आप सेटिस्फाई होंगे, आपका करियर बहुत अच्छा चलेगा। अब हम देखते हैं आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में। उप्स, आई एम सो सॉरी, वो थोड़े से कार्ड स्लिप हो गए थे। सो अब हम बात करेंगे आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, देखते हैं क्या होता है आपके। आई डोंट नो व्हाई द कार्ड्स आर कमिंग आउट, मे बी द स्पिरिट्स आर, यू नो, दे वांट टू गिव द आंसर्स। ओह माय गॉड, व्हाट इज दिस हैपनिंग, सॉरी फ्रेंड्स। ओके, सो लेट मी सी व्हाट्स गोइंग टू बी इन योर पर्सनल लाइफ, हाउ इट इज गोइंग टू बी। ओके, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके पर्सनल लाइफ में। आप जो अचीव करना चाहते हैं, जो भी आपकी विशेस हैं, आपका जो भी आपकी, अगर आप मैरिड हैं तो आपकी जो वाइफ हैं, आपके हस्बैंड हैं, और अगर आप सिंगल हैं तो भी आप जो है, आपकी पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। ये साल आपकी पर्सनल लाइफ के लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आप सिंगल हैं तो डेफिनेटली कोई ना कोई आपको मिलने, आपके आपकी लाइफ में कोई आने वाला है, और बहुत ही शाइनिंग है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ ये आपकी लाइफ में आएंगे जो कोई भी ये हैं, और ये बहुत ही अच्छे होंगे आपके करियर के लिए।
आपकी आगे आने वाली लाइफ के लिए, ये जो पर्सन आपकी लाइफ में अब आने वाला है ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, और 2020 में ही आप इस पर्सन से मिलेंगे। ये कोई न्यू पर्सन है जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं विद पॉजिटिव एनर्जी, और आप बहुत ही इंटेलेक्चुअल हैं। आपके जो घर में जो आपके बड़े हैं, जो आपके जैसे आपके फादर फिगर हैं या मदर हैं, वो आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, और आप भी इस वक्त पूरे अच्छे से अपने करियर में, अपनी पर्सनल लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, और आपकी पर्सनल लाइफ में कोई आने वाला है, कोई आने वाला है आपकी पर्सनल लाइफ में, डेफिनेटली कोई आने वाला है, और 2020 में आप उस इंसान से मिलेंगे जो आपकी लाइफ बदल देगा। आपकी लाइफ में हर चीज़ पॉजिटिव होगी और आपका करियर बहुत अच्छा जाएगा और आपकी पर्सनल लाइफ भी बहुत अच्छी होगी, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा साइन है ये। अब हम जानेंगे आपकी हेल्थ के बारे में। सो लॉस्ट एयर ऑफ नॉस्ट्रैमस, प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ टेल मी दी आंसर। आई वॉन्ट टू नो अबाउट दी हेल्थ ऑफ माई स्कॉर्पियन फ्रेंड्स, how will be their health in the year 2020, please tell me about their health. Okay, so tarot is saying that you need not worry about anything when it comes to your health. People might lie, people might, अच्छा लोग आपको कह सकते हैं कि आपकी ये problem है वो problem है, लेकिन आप एकदम ठीक हैं। आप किसी भी बात पे या कोई भी अगर आपको ऐसे कहता है कि शायद आपको कुछ प्रॉब्लम है या आपकी तबीयत ख़राब है, जैसे अभी जो भी कोरोना का COVID-19 का चल रहा है, तो डेफिनेटली ऐसा साइंस आ रहे हैं कि हो सकता है कि आपको एक फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी जाए या आपको गलत बताया जाए। अगर आपको एक नॉर्मल वायरल है तो हो सकता है कि आपको उसको अलग तरीके से शो किया जाए, तो आपको बस थोड़ा सा एहतियात बरतना है, लेकिन देखा जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कार्ड्स हैं आपको ये बताने के लिए कि आप किसी भी कही हुई बात पे यकीन करने के बजाय कि कौन क्या कह रहा है, आप खुद सोचिए कि क्या सही है और क्या गलत। तो आपको अफवाहों पे ध्यान नहीं देना है, जो भी अफवाहें हैं, जो भी लोग बातें बना के बोल रहे हैं, आपको उन पे ध्यान नहीं देना है। ये दोनों कार्ड्स ये दिखाते हैं कि आपको अपना स्ट्रेस नहीं लेना है, जो भी एनवायरनमेंट में बात चल रही है, कि जो भी आप लोगों की बातों में नहीं आना है, आपको खुद सोचना है, ठीक है। आपको कुछ भी कोई भी अगर स्ट्रेसफुल बात है या कोई ऐसी नेगेटिव बात फैला रहे हैं तो आप उन पर ध्यान नहीं देंगे। पहले ये कार्ड्स हैं आपके लिए। दूसरा क्या है कि यदि आप इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि आप अफवाहों पर ध्यान नहीं देते हैं, आप अपने सेफ्टी मेजर्स लीजिए, लेकिन आप ये नहीं है कि लोगों की बातों में, अफवाहों में आ जाओगे, तो आपको उससे बचना है, क्योंकि आप एकदम ठीक हैं और सन कार्ड आपके पास है। इसका इससे ये रीज़न भी है कि आपको जितना हो सके आप सन की तरफ रहिए। अगर आपके घर में सन, सूरज की रोशनी आती है, तो आप कोशिश करिए कि सूरज की रोशनी में बैठें कुछ घंटे, दिन में एक घंटा दो घंटा आप सूरज की रोशनी में जितना बैठेंगे आपके लिए उतना अच्छा है, उतना आप पॉजिटिव रहेंगे। आपको नेगेटिविटी से बचना है। दुनिया भर के न्यूज़ हैं मीडिया में, न्यूज़ चैनल में दुनिया भर के न्यूज़ आ रहे हैं, आपको उन सब चीज़ों को अपने माइंड पे असर नहीं करने देना। आप स्ट्रेस्ड हैं कि क्या होगा क्या होगा, इतना नहीं सोचना आपको। आपके कार्ड बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रांग है, आपको इस समय ज़रूरत है रिलैक्स करने की, अपने माइंड को रिलैक्स करने की। आराम से आप धूप में बैठिए, आराम से रिलैक्स करिए, पॉजिटिव रहिए, और आप एकदम ठीक हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप किसी की भी बातों में आने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस आपको अपना, अपनी हेल्थ पे, अपने माइंड पे, अपने हेल्थ पे, सब पे अपना खुद का ध्यान रखना है। ये नहीं कि कोई कुछ भी कह रहा है और आप उसके अकॉर्डिंग अपना स्ट्रेस ले रहे हैं, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। कार्ड्स अच्छे आए हैं आपके, आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, आराम से आप धूप में बैठिए और जितना हो सके अपने आप को पॉजिटिव रखिए, ठीक है। एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपको ये सब पसंद आया जो मैंने आपकी रीडिंग करी है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में उसमें बताइए कि कितना रेजोनेट किया आपके साथ। एंड आपके कार्ड सारे अच्छे आए हैं स्कॉर्पियंस, आप अपना ध्यान रखिए, धूप में बैठिए, डेली आपको एक घंटा दो घंटा धूप में बैठना है, जिससे कि आप और पॉजिटिव रहें और आपकी इम्यूनिटी और स्ट्रांग हो जाए, और आपको लोगों की बातों में और इन सब बातों से स्ट्रेस नहीं होना है। न्यूज़ सुनिए, लेकिन उतना ही न्यूज़ सुनिए, क्योंकि न्यूज़ में भी आजकल हर चीज़ जो आ रही है वो सच नहीं होती है। तो आपको थोड़ा सा रिलैक्स करना है अपने आप को, और बहुत रिलैक्स होकर के अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान दीजिए और सूरज में बैठिए, बस यही आपके लिए टैरो की एडवाइस है। बाकी आपके कार्ड्स अच्छे आए हैं, आप बहुत स्ट्रांग हैं और अच्छे से आपका ये 2020 का जो ये साल है आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, बी इट योर करियर, बी इट योर हेल्थ एंड बी इट योर पर्सनल लाइफ। ओके,
So thank you so much for watching my video and please subscribe my channel. Have a nice day. Take care.